तो आज हमारे पास गाड़ी है ये महिंद्रा बुलेरो, और इस गाड़ी का हम काम करने वाले हैं रियर व्हील का। रियर व्हील में प्रॉब्लम क्या है कि इसका रियर व्हील जाम हो गया है। गाड़ी में क्या होता है, फ्रंट में तो डिस्क ब्रेक हैं लेकिन रियर में ड्रम वाले ब्रेक हैं, तो जिसमें कि लेदर और ब्रेक शू लगे हुए होते हैं, तो इस वजह से ये जाम हो गया है। अब इसको खोल के कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों जाम हुआ है। और मोस्टली गाड़ियों में, खाली ये बुलेरो का ही नहीं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बुलेरो के लिए ही है, अगर आपके पास और भी कोई गाड़ी है तो अधिकतर गाड़ियों में यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रियर व्हील जो हैं वो ड्रम में आते हैं। बहुत कम गाड़ियों के ऐसे हैं जो कि डिस्क ब्रेक में आते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको व्हील को खोल लेता हूँ, फिर दिखाऊँगा आपको। एक मिनट आपको घुमा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने जैक से उठा रखा है, लेकिन इसको घुमाने में ये इतना जाम है, और इसकी वजह से गाड़ी लोड भी लेती है और व्हील गर्म होता है और बार बार टायर पंचर होता है। तो अभी मैंने इसको उठा के चेक किया तो देखा कि ये इतना जाम क्यों है। तो सबसे पहले इसका व्हील खोलूँगा, व्हील खोल के अंदर का ड्रम निकालता हूँ, दिखाता हूँ आपको इसके बाद। तो अभी देखिए, ये मैंने व्हील खोल दिया है बाहर, और व्हील खोलने के बाद ये ड्रम आता है, और ये ड्रम को मैं घुमाता हूँ तो बहुत जाम है। ये देखिए, और बहुत जाम है, उसके साथ में आवाज़ भी कर रहा है। ये आवाज़ एक बार मैं आपको सुनाता हूँ इसकी। जी देखिए, कुछ रगड़ने जैसी आवाज़ है। तो जो भी है, इसको एक बार खोलेंगे हम, इस ड्रम को बाहर निकालेंगे। ड्रम को बाहर निकालने के लिए दो बोल्ट की जगह है, एक यहाँ पर और एक सामने। इन दोनों जगह पे हम बोल्ट टाइट करेंगे, थोड़ा बहुत WD-40 का यूज़ करेंगे, और इसको हैम करते हुए, इसको चोट करते हुए, और इसको बाहर निकालेंगे। तो चलिए ड्रम को एक बार मैं निकाल के फिर दिखाता हूँ। तो अभी देखिए, ये ड्रम बाहर निकाल दिया है मैंने, और ड्रम बाहर निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझे, बस एक दो बार मैंने चोट की इसका अच्छे से, तो ये बाहर आ गया। और ये ड्रम है कुछ इस तरह से, ये देखिए गंदा है, और ये इस पर टकराने के निशान है। अब फर्स्ट चीज़ हमको चेक करने की क्या है, देखिए चेक करना है हमको सबको, सबसे पहले ये कि प्रॉब्लम क्यों आई थी, जाम क्या था, ये हब जाम है या फिर ये ब्रेक की वजह से। तो सबसे पहले इसको हम हिला के चेक करेंगे, ये फ्री है ना, इसके बैरिंग में चाल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये इसके जाम होने की वजह नहीं थी, श्योर हो गए कि हम जाम होने की वजह ये है। अब ये है तो ये क्यों है, अब इसके लिए हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, ये बकेट से ये साइड में आ गया है, ये आ गया है, और ये ओवर है। क्यों ओवर है, ये इसको ऐसे रहना चाहिए, ठीक है, फिलहाल तो इसको अगर मान लीजिए ऐसे भी रहे, फिर भी ये टकराएगा, वापस आ रहा है क्यों। तो एक बार मैं इसका पूरा सिस्टम ही खोल देता हूँ, और एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ कि और भी कुछ प्रॉब्लम आती है। सपोज़ कभी ब्रेक लीक होते हैं तो वो यहाँ से होते हैं, तो इस व्हील से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा एक एक करके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देखिए मेहनत लगती है इसको बनाने के लिए। अगर हम चाहें काम करने के लिए तो वो हम आधे समय में खोल के इसको कर सकते हैं, लेकिन शूट करने के साथ साथ काम करना थोड़ी सी दिक्कत वाला काम है। लेकिन जहां आप लोग लाइक करते हैं तो फिर हमारा हौसला बढ़ता है आगे आप लोगों के साथ और भी चीज़ें शेयर करने के लिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, जब तक मैं ये निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो पहले इसकी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊँगा इसकी वर्किंग क्या है। सफाई करने के लिए देखिए, क्लीनर वगैरह बहुत लगता है। अभी मेरे पास मैंने सिर्फ पल पानी लिया, और पानी और सर्फ से इसको धोऊँगा और ब्रश के साथ। तो मैं पानी में सर्फ घोल लेता हूँ, और सर्फ को इसमें मिला के अच्छे से करेंगे इसको साफ़। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी जाएगा तो फिर हम इसको सुखा लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं कर लेता हूँ अच्छे से साफ़ तरीके से, क्योंकि सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को साफ़ होना ज़रूरी है। साफ़ होगा तो हमको पता भी लगेगा कहाँ प्रॉब्लम है, क्या है, देखने में आसानी होगी और गाड़ी के लिए भी अच्छा है। तो अभी इसके ब्रेक शू वगैरह निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक पिन है, इसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं और ऐसे घुमा के इसके ऊपर का कवर आ जाता है और ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये ब्रेक शू मुझे निकालने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से सफाई भी नहीं हो पाएगी और प्रॉब्लम भी डायग्नोस करने के लिए पूरा इसको खोलना ही पड़ेगा। तो ये ब्रेक शू वगैरह ये निकाल दिए मैंने, और निकालने से पहले कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई चीज़ कैसे लगी हुई है, वो चीज़ भी पहले देख लेनी है आप लोग, कौन सा स्प्रिंग कहाँ लगा था, क्योंकि फिर लगाते समय आसानी होती है अगर आप लोग खुद कर रहे हैं तो। जैसे कि मैंने देखा ये, और ये स्प्रिंग वगैरह लॉक सारे निकाल दिए मैंने, और इसको मैं साफ़ करूँगा, और साफ़ करने के बाद इसको एक बार सुखा लूँगा, क्योंकि मैं ये पानी और सर्फ वगैरह से ही साफ़ कर रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा क्लीनर का यूज़ इसमें नहीं किया। तो इसको मैं अच्छे से करूँगा, और ये देखिए ये लॉक होता है, ये एडजस्टर होता है, ये इसकी वर्किंग भी अभी आपको बताता हूँ मैं आगे, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे हम ब्रेक को टाइट और ढीला इसी से कर सकते हैं, इसमें जो ये स्क्रू लगा हुआ है ये इसी से काम करते हैं, इसको नीचे करते हैं और ऊपर करते हैं, तो वो भी अभी आगे बताता हूँ मैं आपको, पहले इसको साफ़ करके और सुखा लेता हूँ। तो अभी फाइनली मैंने इसको पूरा कर लिया है साफ़ खोल के, और ब्रेक शू, ये ड्रम सब साफ़ करने के बाद मैंने जब इन होल्स को साफ़ किया, ये होल्स, तो साफ़ करने के बाद देखा क्या कि ये देखिए, ये जो है ये इस तरफ से घिस गया, यानी कि टेढ़ा घिसा, ये टेढ़ा घिसा, और किस वजह से घिसा,
ये जानने के लिए, प्रॉपर चेक करने के लिए हमको एक एक चीज़ को पहले चेक करना होगा और चेक कर करके इसको फिट करते हुए जाएंगे और फिर हम चला के देखेंगे क्या है। ये देखिए, ये जो एडजस्ट करने वाला सिस्टम है, ये इससे हम ब्रेक को हार्ड करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ये देखिए इस तरह से लॉक होता है और इस पर भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लेता हूँ लुब्रिकेंट करके। इसको पहले मैं फ़िट करता हूँ, इसको लगा के इसको फ़िट करता हूँ एक एक करके सारी चीज़ें, और फिर चला के देखता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी। ये देखिए, ये पहले नीचे वाला स्प्रिंग फंसा दिया और फिर ये ऊपर का इस तरह से आ गया। अब इसके ऊपर स्प्रिंग आएगा, लॉक आएगा और बीच में एडजस्टर आएगा जो ये इसको एडजस्ट करता है ब्रेक को। इसके बाद हम पहले इसको कर लेते हैं, ये देखिए। और ये जो इसका लॉक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको खोलने का तरीका और इसको बंद करने का तरीका। सिंपल, जैसे पहले बताया था, स्प्रिंग लगा के और इसको प्रेस करते हैं और घुमा देंगे तो ये लॉक हो जाता है। अब ये चीज़ें मैंने इसमें फ़िट कर दी हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा इरिटेशन भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं दिखा सकूँ। तो ये देखिए, ये एडजस्टर है, इसको लगाएंगे, इसको थोड़ा सा खींच के और यहाँ पर फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद फिर इसकी सेटिंग करेंगे हम, कितना एडजस्टमेंट हमको चाहिए, जितना ड्रम तक टच होता है तो उतना इसकी सेटिंग हम इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद से ये इसके ऊपर एक लॉक होता है, ये लॉक भी इसके ऊपर लगाया जाता है। और ये लॉक लगाने के बाद ये एक स्प्रिंग है ऊपर वाला, जो मेन स्प्रिंग है जो इसको खींच के रखता है, इसको भी चढ़ा लेंगे। अब चढ़ाने के बाद हमने चेक किया इसको, तो पाया क्या कि ये जब ब्रेक सिलेंडर है, एक तरफ तो आता लेकिन दूसरी तरफ से ये वापस नहीं आता। तो इसके लिए अभी पहले हमको सिलेंडर खोलना पड़ेगा, यानी कि ये ब्रेक सिलेंडर जो है इसको खोलेंगे। इसके पीछे दो बोल्ट लगे हुए हैं 10 नंबर के, दोनों बोल्ट खोल के और इसका ये जो मेन पाइप है जिससे इससे सप्लाई आती है, इस पाइप को भी हटाएंगे और हटा के इस सिलेंडर को निकालेंगे हम बाहर और निकाल लेंगे। और ये देखिए, मैंने इसको टेप कर दिया है ताकि इससे अंदर से जो ऑयल है वो निकले नहीं। अब देख लीजिए, ये सिलेंडर आ गया बाहर। सिलेंडर को खोलते हैं और सिलेंडर के अंदर देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो सिलेंडर हम जाते हैं तो पूरा चेंज ही किया जाता है, और वर्कशॉप वगैरह पे जाएंगे तो वो लोग चेंज ही करते हैं जी पूरा सिलेंडर, उनको प्रॉब्लम नहीं लेनी होती, टेंशन नहीं लेनी होती। लेकिन मेरी एक आदत है, कोई भी चीज़ ख़राब है तो मैं उसको खोल के देखता हूँ आखिर क्यों ख़राब है, क्या हुआ है। तो ये देखिए, ये इधर से प्रेस करते हैं, ये ऑयल आ रहा है। अभी रुकिए, मैं इसको बंद करके करता हूँ। ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा हार्ड है। वो हार्ड क्यों है, जाम हो गया है बिल्कुल, लीकेज वगैरह नहीं है इधर। ये देखिए, लीकेज कोई नहीं है लेकिन जाम है। अब जाम है तो क्यों जाम है, एक बार इसको भी खोलेंगे पूरा सिलेंडर। एक बार मैं पहले भी सिलेंडर भी रिपेयर कर चुका हूँ, इसका जो व्हील सिलेंडर है ये भी मैं रिपेयर करके लगाया है मैंने दूसरी गाड़ी का। तो इसको मैं इसको खोल ले रहा हूँ, देखूंगा कुछ भी होगा तो चेक करते हैं। अगर ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर चेंज ही करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उसके लिए सिलेंडर चेंज करना मुझे नहीं लगता है सही है। इसको निकाल लेते हैं, ये देखिए, ये इसको निकाल दिया। ये इसका पिस्टन होता है जो इसके बाहर चलता है, और बीच में एक स्प्रिंग होगा और दोनों साइड में रबड़ होती हैं जो उसको ऑयल को रोक के रखती हैं और प्रेशर बनाती हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है मुझे, कचरा बहुत जमा हो गया है। ये कचरा कहाँ से आया है, ऑयल वगैरह में से ही आया है। ऑयल भी इसका चेंज होने को है तो एक बार मैं चेंज करूँगा। लेकिन ये देखिए, ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग में यहाँ पर भी कचरा वगैरह ज़्यादा लगा हुआ है, तो ये इसी वजह से ये जाम चल रहा है। ये देखिए, ये जाम चल रहा है और ये जाम चलने की वजह से ये उस एक तरफ को धकेलता है तो फिर वापस नहीं आता, या तो फिर जल्दी जाता ही नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है इसके रगड़ने की। कायदे से तो मुझे अभी इसके ये ब्रेक शू जो हैं ये भी चेंज करने चाहिए, लेकिन आज हमारे यहाँ मार्केट बंद है तो कुछ मिलेगा नहीं, तो मुझे इसी में ही काम चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम में फिर से इसको खोल के जब दोबारा कभी नंबर आएगा तो फिर कर लूँगा। तो अभी फिलहाल इसको सिलेंडर को करते हैं चेक और इसको करते हैं रिपेयर। सिंपल, इसको पहले डीजल से करेंगे साफ। डीजल है मेरे पास, केरोसिन होता तो अच्छी बात थी, लेकिन मैं डीजल से ही धो ले रहा हूँ। डीजल से इसको धो लूँगा और इसकी गंदगी वगैरह जितनी भी है बढ़िया से इसको निकाल के और इसको साफ करूँगा, और साफ करने के बाद फिर देखूँगा इसका ये टकराता है, नहीं टकराएगा तो इसको फिट कर देंगे। ये देखिए, साफ कर दिया है मैंने बहुत अच्छे से, और कपड़े से भी इसको साफ कर लिया। ये हैं इसके पिस्टन और ये आ गए इसके रबर और स्प्रिंग। अब सिंपल हमको करना है इसको फिट, और इसको फिट करके फिर हम चेक करेंगे गाड़ी में कि कैसा चलता है ये। ये देख लीजिए, मैंने पिस्टन वगैरह लगा लिए हैं और ये ऊपर से सिंपल अब इसकी ये रबड़ जो चढ़ा रहे हैं, जो इसका सील रहती है बाहर से बुकेट, इसको भी चढ़ा देंगे दोनों तरफ से। और सिंपल जैसे इसको खोला था हमने और वैसे ही लगा लेंगे। इसको खोलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत आसान है इसको खोलना। ये व्हील सिलेंडर खोलना बहुत ईजी है क्योंकि पीछे दो बोल्ट है और ये इसी से ही फिट हो जाते हैं। ये देखिए, ये लगाया मैंने पीछे दो बोल्ट, ये दोनों टाइट करूंगा, और टाइट करने के बाद ये ऊपर का पाइप जो मैंने इसे टेप करके रखा था, इस पाइप को लगाऊंगा
और फिर उसके बाद हमको इसकी ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, एयर ब्लीडिंग, यानी कि एयर जो आ गई होगी इसमें से वो निकालनी पड़ेगी। तो एयर निकालने का प्रोसेस अकेले ऐसे मुश्किल है, तो एक आदमी को वहाँ बैठना पड़ेगा स्टेयरिंग सीट पे और उसके प्रेशर बनाना पड़ेगा, प्रेशर बना के ब्रेक को, फिर वो ब्रेक को दबा के रखेंगे, इस साइड से मैं यहाँ से खोलूँगा और फिर ये इसकी एयर जो होगी बाहर आएगी। यही प्रोसेस को 2 से 3 बार ऐसे रिपीट करते हैं, क्योंकि मैं इसमें दिखा नहीं पाऊँगा, अकेले करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अकेले ऐसे दिखाना कैमरा सेटिंग नहीं बैठ रही है कि कैसे पकड़े कैमरे को, तो मैं आपको इसी तरह से बता देता हूँ कि ये देखिए ये मैंने टाइट किया और जो नीचे नोजल है इस नोजल से जो साइड में दिख रहा है उस वाले नोजल से हमको एयर ब्लीडिंग करना है। ये देखिए यहाँ से चाहे तो इसमें एक पाइप लगा के इसको सेव भी कर सकते हैं, लेकिन ये तेल मुझे नहीं लगता ज़्यादा कामयाब है, तो इसको मैं गिरा दूँगा क्योंकि बाद में मुझे चेंज करना है। अब आते हैं इसकी सेटिंग के बारे में, जो कि मैंने पहले आपको बताया था, ये होता है ब्रेक की सेटिंग, और ये ब्रेक की सेटिंग के बाद इसके ऊपर एक होता है लॉक, वो कर देते हैं ताकि वो वापस से इधर उधर ना घूम सके। अभी ये फाइनल करके इसके ऊपर हम एक बार ड्रम चढ़ाएंगे, पहले मैं इसको ये लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद ये जो ब्रेक लेदर है इसको थोड़ा सा सैंड पेपर से साफ़ कर लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा रगड़ के साफ़ कर लूँगा ताकि इसकी पकड़ थोड़ी अच्छी आए, क्योंकि अभी कुछ दिन इसको चलाना है और फिर इसको नेक्स्ट टाइम जब मैं खोलूँगा तो ये लेदर भी चेंज करूँगा, क्योंकि ये एक साइड से ज़्यादा घुस गया है। तो फिलहाल मैं काम चलाने के लिए इसको कर रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं इसको लेदर को करूँगा चेंज। और इसके बाद इसका ड्रम जो है उस पर भी थोड़ा सा सैंड पेपर लगा के उसको भी साफ़ करेंगे, और इसकी सेटिंग जो है ये प्रॉपर करनी है। ये देखिए कभी आपका ब्रेक टाइट या लूज़ होता है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं इजीली, सिंपल ड्रम उतारा और ये जो दिख रहा है ये यहाँ से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ऊपर से ये लॉक लगा हुआ होता है, तो इसको लॉक वगैरह कंप्लीट हो गया है। अभी इसका ड्रम जो है इस पर भी सैंड पेपर मार लेते हैं। सैंड पेपर मारने का वजह ये है कि साफ़ हो जाएगा, इसकी पकड़ थोड़ी सी अच्छी आएगी ब्रेक की, और ब्रेक की पकड़ अच्छी नहीं आती है तो फिर प्रॉब्लम है, तो इसलिए ब्रेक का काम तो थोड़ा तरीके से होना चाहिए। ये देखिए अब ये लगाने के बाद इसको ड्रम को हम सेट करेंगे, और ड्रम सेट करके इसके एडजस्टिंग हम चेक कर सकते हैं, यानी कि ड्रम लगाते समय आप ऐसे घुमा के देख लीजिए कि उसको व्हील को टच तो नहीं कर रहा है। ये देखिए जो वो अभी टच नहीं कर रहा है, और बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं होना चाहिए, वो एडजस्टर इसीलिए है कि उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी आते हैं इसके बारे में टायर लगाने की। एक टायर मेरा ख़राब हो चुका है इसकी वजह से, ये व्हील गर्म होने की वजह से, ये टायर मैंने नया लिया है, स्टेपनी पे चल रहा था, तो अभी फाइनली मैं फिटिंग इसकी कर देता हूँ। और ये फिट करने का तरीका भी याद रखिए, टायर कभी भी खोलते हैं तो आमने सामने के बोल्ट, ये देखिए आमने सामने के बोल्ट आपको टाइट करने होते हैं पहले, ये नहीं कि लाइन से आप घुमाते हुए चले गए, सही तरीका यही है कि आमने सामने के बोल्ट जो है ये टाइट किए जाएँ, इससे क्या है फिटिंग अच्छी आती है, बैलेंसिंग प्रॉपर होती है, कहीं इधर उधर टेढ़ा नहीं हो सकता, तरीका यही है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमको याद रखने चाहिए। ये देखिए फाइनली अब मैंने कर लिया है फिट, और वीडियो अच्छा लगे तो करिए लाइक, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। इसी के साथ कंप्लीट हो गया है ये, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।